बहुत वांग्मय में कहा गया है, तथ्य वेगे महावन्य या महापन्य इमं पठ मुदाहरे। हमारी दुनिया में अनेक प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं, पैदा तो सारे बच्चे ही होते हैं। किसी किसी जगह है, किसी गांव में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो आगे जाकर महान व्यक्ति के रूप में उभर जाते हैं। बच्चे ही पैदा होते हैं। एक बार कोई एक जिले में यह अन्वेषण शुरू हुआ, एक काल्पनिक बात मान सकते हैं कि हमारे जिले में महान लोग कौन कौन हुए, तो सबका कलेक्शन करना है किस जिले में कौन कौन महापुरुष हुए हैं। तो काम सौंपा गया, सब जिलाधीश अपनी टीम से यह निगाह करवाएं किस जिले में, किस गांव में पिछली 2-3 शताब्दियों में कौन कौन महापुरुष हुए, उनका पूरा कलेक्शन किया जाए। तो एक जिले में जिलाधीश के पास ये सूचना आई कि साहब कि आपके जिले में जो महापुरुष पैदा हुए हैं कौन से गांव में कब, उनके जीवन का थोड़ा वृत्त हमें भेजिए, एक कलेक्शन रूप में कोई ग्रंथ तैयार करें। तो वे जिलाधीश खुद अपने कुछ साथियों के साथ गांव-गांव जा रहा था कि जो बूढ़े लोग हैं बडेरे उनसे पूछें कि आपने कोई सुना हो आपके पिताजी से दादाजी से कोई आपके गांव में बड़े आदमी हुए तो उनका नाम कुछ जानकारी दो। एक छोटे गांव में वे जिलाधीश गए तो गांव के लोगों को एक मीटिंग की इकट्ठा किया। लोगों ने कहा सा आप क्यों आए हैं, क्या कोई काम हो तो बताओ। कभी हमें कुछ बात जानकारी के लिए करनी है। कहा बोलिए क्या जानकारी लेनी है। तो गांव के बुजुर्ग 90 वर्ष के 92 वर्ष के ऐसे कई लोग बुलाए गए, सब बूढ़े बडेरे लोग आओ उनसे खास बात करनी है। तो 92, 93, 95 बडेरे बडेरे लोग इकट्ठा हुए। तो वो जिलाधीश बोले सा हम कलेक्शन कर रहे हैं कि गांव में कोई बड़े आदमी हुए हो तो क्या आपके गांव में कोई बड़े आदमी पैदा हुए हैं क्या, हमें हो तो जानकारी दो ना। एक बुजुर्ग आदमी बहुत भला आदमी था, वह बोला सा नहीं सा हमारे गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सब बच्चे ही पैदा होते हैं। बात बड़ा सही जवाब, एक दृष्टि से ही जवाब दिया कि हमारे गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो सब छोटे बच्चे ही पैदा होते हैं, बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। बहुत सही जवाब दे दिया एक संदर्भ में कि पैदा छोटा ही होता है, बड़ा कोई पैदा नहीं होता, परंतु छोटा है उसके भीतर बड़े आदमी के मूल बीज हो सकते हैं और वे कभी उभर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज 15वां दिन महाप्रयाण दिवस के रूप में है। आज से ठीक 14 वर्ष पूर्व आज के दिन वैशाख कृष्णा एकादशी को दोपहर में उन्होंने अंतिम श्वास सरदार शहर में, जो चूरू जिले का एक कस्बा टाउन है, वहाँ वो गोठी परिवार की जो हवेली है वहाँ एक कमरा है, उस कमरे में उन्होंने अंतिम श्वास आज के दिन लिया था। शास्त्र में जो शब्द है महावन्य या महापन्य, महाप्रज्ञ शब्द मानो शास्त्रीय शब्द है, कोई आधुनिक चालू ऐसा नहीं, पुराना प्राचीन शब्द है, शास्त्रीय शब्द है महाप्रज्ञ। इस शास्त्रीय शब्द का उपयोग आचार्य श्री तुलसी ने कर लिया। शब्द तो हजार से ज़्यादा वर्षों से हमारे आगम में रहा ही होगा, उसका उपयोग आचार्य श्री तुलसी ने कर लिया। उपयोग इस रूप में किया कि उन्होंने अपने सुशिष्य मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को महाप्रज्ञ अलंकरण दिया था।
पहले नाम नहीं दिया, पहले अलंकरण दिया था। चतुर्मास में गंगा शहर का चतुर्मास विक्रम संवत 2035 का, 35 का चतुर्मास गंगा शहर में, वहाँ उन्होंने मुनि श्री नथमलजी टमकोर को यह महाप्रज्ञ अलंकरण दिया था। स्वामी जी थारी साधनारी मेरु सी, मुनि दिनेश जी तब दीक्षित नहीं हुए थे, तो वो एक प्रोग्राम था मुनि राजकुमार जी उस समय गंगा शहर में, तब वो जो या 13 पंथ भवन जो अभी बना हुआ है उसी जगह पर वो प्रोग्राम हुआ होगा, उस समय भवन नहीं होगा, वो जगह मैदान में वहाँ प्रोग्राम हुआ होगा। और गुरुदेव तुलसी ने वो गीत फरमाया था, स्वामी जी थारी साधनारी मेरुसी ऊंचाई है सागर सी गहराई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरुसी ऊंचा, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरुसी ऊंचा। संभवतः यह गीत भी उसी प्रोग्राम में आचार्य श्री तुलसी ने फरमाया होगा और उसी प्रोग्राम में यह महाप्रज्ञ का अलंकरण दिया। तो आगम के शब्द को मानो निकाला या उसका उपयोग किया गुरुदेव तुलसी ने, महाप्रज्ञ अलंकरण था। कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही कालावधि के बाद, जब मुनिश्री नथमलजी स्वामी टमकोर को युवाचार्य पद राजल देसर में मर्यादा महोत्सव में विक्रम संवत 2035 का, उस मर्यादा महोत्सव में वो डागा जी की बाड़ीर वो जो स्थान था वहाँ युवाचार्य पद प्रदान किया था, उस युवाचार्य पद प्रदान के प्रकरण में महाप्रज्ञ अलंकरण को महाप्रज्ञ नामकरण कर दिया गया, युवाचार्य महाप्रज्ञ नाम हो गया था। और गुरुदेव तुलसी ने अपने पट पर पास में युवाचार्य जी को, मैं भूल हालांकि मैं साक्षात दृष्टा नहीं था, वहाँ पट पर पास में बिठाया था, पट पर वे साक्षात ध्यानमूर्ति जी हैं, पट पर बिठाया था पास में। गुरुदेव तुलसी ने युवाचार्य श्री को अपने पास पट पर बराबर या पट पर थोड़ी सी देर के लिए वो बिठाया था, बैठे थे, तो यह महाप्रज्ञ नाम हो गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ में परम पूज्य कालूगणी के पास अपने जीवन के 11वें वर्ष में माघ शुक्ला दशमी को सरदार शहर में वो भंसाली जी का बाग जो भी उसका नाम हो, अब सेठिया जी का स्थान जो भी, वहाँ उनकी दीक्षा हुई थी। सरदार शहर के साथ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ऐतिहासिक संबंध रहा है। वैसे संसार पक्ष में उनका ननिहाल भी बछावत परिवार जो सरदार शहर खियासर जो भी, वो भी सरदार शहर से जुड़ा हुआ है, और फिर उनकी दीक्षा भी सरदार शहर में हुई, और उन्होंने न्यारा में चतुर्मास बहुत ही कम किए थे, बहुत ही कम, उनमें एक चतुर्मास उन्होंने सरदार शहर में न्यारा में किया था, एक दिल्ली में किया, एक सरदार शहर में। उन्होंने अपने जीवन में संभवतः है ये दो ही चतुर्मास न्यारा में किए होंगे, पूरे दीक्षा के बाद पूरे जीवन काल में दो ही चतुर्मास संभवतः न्यारा में किए होंगे, एक दिल्ली में, एक सरदार शहर में किया था, एक सरदार शहर में किया। उस चतुर्मास में संभवतः रामायण का भी वे व्याख्यान उन्होंने सरदार शहर में दिया था। और तो सरदार शहर में चतुर्मास होना अपने आप में एक थोड़ी महत्व की, मतलब सरदार शहर जैसे गांव में चतुर्मास किसी का होता है तो उस जमाने के हिसाब से थोड़ा एक शायद महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है, आज तो और भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं। तो सरदार शहर में उनकी दीक्षा, ननिहाल का संबंध, न्यारा का चतुर्मास भी,
और ये अंतिम जो स्थिति महाप्रयाण की वो भी सरदार शहर में हुई। तो आदमी छोटे बच्चे के रूप में ही पैदा होता है यूँ सामान्यतया, पर कोई कोई बच्चा बड़ा कुछ लेकर के मानो आता है। हम देखते हैं बच्चा है, बच्चा है क्या जानता है, बच्चा है क्या, ठीक है एक अपेक्षा से क्या जानता है बच्चा है, किस बच्चे के भीतर क्या है यह विशेष बात है। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किस बच्चे के भीतर कौन सा बीज है, वो किस वृक्ष के रूप में आकार लेने वाला, यह खास बात होती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक छोटे बच्चे के रूप में छोटे गांव टमकोर जैसे गांव में पैदा हुए, और सुना है कि खुले आकाश में ही उनका जन्म हुआ, पैदा हुए, तो छोटे बच्चे ही थे। परंतु दो अपेक्षाएं हैं, एक तो भी कि बच्चा कोरा कागज है, कोरी पाटी है, चाहो जैसा लिख दो, एक चिंतन तो यह है, वह भी एक अपेक्षा से ठीक हो सकता। दूसरा एक विचार है, कोरा कागज नहीं है, भीतर में क्या क्या लिखा हुआ है उसके, है वो किस रूप में आगे बढ़ेगा, जीन कौन से जीन उसके भीतर हैं, कर्म के संस्कार कौन से हैं, क्षयोपशम कैसा है, वो सब चीज़ें भीतर में हैं। उनके आधार पर फिर आदमी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का निर्माण भी हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बच्चे थे, टमकोर जैसा गांव, और फिर जीवन के 11वें वर्ष में उनको साधुत्व की प्राप्ति दीक्षा हो गई। परम पूज्य कालूगणी के पास कुछ वर्षों तक 5-6 वर्ष अंदाज रहने का उनको मौका मिला, कालूगणी का कृपा प्रसाद भी प्राप्त किया, और यों मुनि तुलसी से भी जुड़े हुए। फिर तो आचार्य तुलसी जब बन गए थे मुनि तुलसी विक्रम संवत 1993 में, फिर उनके सान्निध्य में उनका विशेषतया रहना हुआ, और एक विकास की उनकी यात्रा आगे चली, जो संस्कृत भाषा का वैदुष्य उन्होंने प्राप्त किया भाषा की दृष्टि से, फिर हिंदी भाषा पर जो उनका मनोकमांड था, जो सौष्ठव था, जो भाषा की काफ़ी स्पष्ट आवाज की और भाषा की स्पष्टता थी, उनका प्रवचन सुनो, भाषण सुनो, कि आवाज़ उनकी कितनी स्पष्ट है, कितनी शुद्ध भाषा है। व्याकरण का ज्ञान ठीक हो तो भाषा यूँ शुद्ध रह सकती है, कईयों की आवाज़ भी इतनी स्पष्ट होती है, इस तरह से बोलते हैं कि बात बिल्कुल गले उतर सके, एकदम समझ में आ सके, क्योंकि वक्ता अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, प्रवचनकार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, किसी किसी वक्ता की बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, बहुत शांति से बोलते हैं समझ में आ जाती है, कोई कोई वक्ता बहुत जल्दी ऐसे आवाज़ भी साफ न हो तो थोड़ा कभी कभी समझने में कठिनाई हो सकती है, और कभी कभी होल और माइक की स्थिति ऐसी हो जाए कि आवाज़ तो साफ है वक्ता की, तो होल और माइक की स्थिति ऐसी होती है कि पूरी समझ में सुनने में आती नहीं है, कोई ऐसी आवाज़ गूंजती है, क्या होता है माइक कैसा होता है, वक्ता बहुत स्पष्ट बोलने वाला है, पर माइक और होल की वो स्थिति ऐसी हो सकती है कि थोड़ा सुनने में काठिन्य हो सकता है। तो खैर वक्ता तो अपनी ओर से स्पष्ट बोले, यहाँ तक वह कर सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन हम में से अनेकों ने सुना होगा, और आज भी रिकॉर्डेड प्रवचन हो तो सुने जा सकते हैं, टीवी में भी वो आती हो तो सुने जा सकते, यानी उनकी भाषा कितनी स्पष्ट और शुद्ध हुआ करती थी। वे एक वक्ता के रूप में भी सामने आए, एक
विद्वान वक्ता के रूप में, एक दार्शनिक संत के रूप में सामने आए। हमारे धर्म संघ में वो मुनि थे, तब भी एक विद्वान मुनि के रूप में, दार्शनिक संत के रूप में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। ऐसा बहुत वर्षों पहले उसके नथमल जी, बुद्धमल जी, ऐसे नाम चलते भी विद्वान संत तेरा पंथ में हमारे संघ, उस बहुत वर्षों पहले की बात है, मान लो आज से 50-45 वर्ष पहले, अंदाज 45-43 वर्ष पहले कि विद्वान संत कौन है। अभी नथमल जी है, बुद्धमल जी, नगराज जी डीलित के विद्वान संत हैं, नथमल जी, बुद्धमल जी, नगराज जी डीलित, कि नगराज जी बाद में संघ से अलग हो गए थे, वे दिल्ली में भी काफ़ी यूँ रहे थे, मुनि नगराज जी डीलित, नगराज जी डीलित, नगराज जी डीलित, ये उनका एक था, यूँ बड़े उनके एक वो एक तरह से समान अवस्था कैसे, नथमल जी स्वामी, बुद्धमल जी स्वामी, मोटा मोटी समान उम्र के, समान परिवेश के, तीनों कालूगणी के जमाने के दीक्षित यूँ इस रूप के थे। तीनों का यूँ हमारे मेरे सुनने में एक विद्वान मुनियों के रूप में नाम आता था। तो बुद्धमल जी स्वामी थे, उन्होंने तेरा पंथ का इतिहास जो लिखा है वो एक बहुत ही, आज भी उनका वो इतिहास, तेरा पंथ का इतिहास है, उसकी भाषा पढ़ने में बहुत अच्छी, बहुत अच्छी गरिमापूर्ण ग्रंथ प्रतीत होता है। तो इधर वो बुद्धमल जी स्वामी संस्कृत के भी अच्छे अच्छे वेत्ता, संस्कृत भाषा के, व्याकरण के और के संभवतः अच्छे वेत्ता। इधर काव्य साहित्य में उनकी वो गीत और उनकी कविता, मंथन नाम की एक किताब थी, मंथन, किसी ने देखी हो मंथन कविताओं की और की जो भी, इधर उनके गीत, बुद्धमल जी स्वामी के गीत होते थे, ऐसे वो साहित्य के क्षेत्र में बुद्धमल जी स्वामी, संस्कृत भाषा में उनका उत्तिष्ठत जागृत एक तो यह किताब है, ऐसे वो विद्वान संत बुद्धमल जी स्वामी भी थे, नगराज जी थे, वो आगम और त्रिपिटक ऐसे करकरा के ग्रंथ, और उनका नगराज जी का, वो बाद में हमारे संघ में भी नहीं रहे थे, अनुव्रत की दृष्टि से भी उनका नाम अनुव्रत परामर्शक के रूप में, और में योग संयोग था, विक्रम संवत 2033 में सरदार शहर में मुनि नगराज जी गुरुदेव तुलसी के पास से धर्म संघ से अलग हो गए थे, मुनि मानमल जी उनके साथ अलग हो गए थे। मेरे तो देखने के, मेरे समय देखने की मेरी बातें हैं, गुरुदेव तुलसी की उनसे बात हुई, फिर वो संघ से अलग हुए थे, तो खैर वे अलग हो गए। फिर दो नथमल जी स्वामी और बुद्धमल जी स्वामी, ये हमारे धर्म संघ में विद्वान संतों के रूप में रहे, और नथमल जी स्वामी को ज़्यादा गुरुकुलवास में रहने का बहुत मौका मिला। बुद्धमल जी स्वामी न्यारा में भी यों अच्छे बिचरने वाले रहे, न्यारा में भी वो बिचरे, दूर की यात्रा भी की उन्होंने। तो खैर आज प्रसंग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का है, तो बुद्धमल जी स्वामी उनके एक प्रकार से बाल सखा, इस प्रकार कैसे मित्र कैसे रूप में बुद्धमल जी स्वामी वो यों रहने वाले थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक दार्शनिक संत के रूप में उभरे, विद्वान संत के रूप में उभरे, और उनकी भी कविता साहित्य, गीत उनके हैं, थोड़े हैं गीत भी हैं, उनके चैत्य पुरुष जग जाए बहुत एक पुराना गीत है, अच्छा एक यूँ गीत है, इधर बाद में तो ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ऐसे कई गीत उनके बहुत अच्छे सुंदर गीत आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के भी प्रतीत होते हैं, स्वामी जी के बारे में और भी, गुरुदेव तुलसी के बारे में और भी कई कई ऐसे गीत हैं। तो उनकी प्रतिभा प्रज्ञा जो आचार्य श्री तुलसी ने उनको महाप्रज्ञ का जो अलंकरण दिया था वो थोड़ा एक सार्थक अलंकरण, ऐसा नहीं कि ऐसी कृपा होगी, इतनी कृपा की ही बात नहीं लगती, इसमें कुछ वास्तविकता का भी मुझे दर्शन हो रहा है कि महाप्रज्ञ केवल कोई आभूषण के रूप में ही नहीं, उनमें महा यानी विद्वत्ता वैदुष्य वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में था। इतना संस्कृत भाषा का ज्ञान, इधर प्राकृत, इधर हिंदी और भी राजस्थानी, और इतना उनको ज्ञान, आचार्य भिक्षु के साहित्य का उन्होंने संभवतः मुनि अवस्था में एक अध्ययन जो किया था,
और ऐसे वो भिक्षु स्वामी पर उन्होंने भिक्षु विचार दर्शन जो पुस्तक उनकी है, यानी भिक्षु स्वामी का उन्होंने कितना एक गहराई से अध्ययन किया होगा। एक पुस्तक को लिखना है भिक्षु विचार दर्शन, यह कोई मामूली बात नहीं है। किसी आदमी के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ लिखना है तो लिखने वाले को भी गहराई में बैठने की अपेक्षा होती है। गहराई में बैठ करके कुछ मानो साक्षात्कार कह दो, कुछ भी कह दो, कुछ चिंतन मनन करके फिर कोई किताब सामने आती है, उस किताब में वजन हो सकता है। उस किताब का किताब भले छोटी हो, तो कितना आदमी गहराई में बैठ करके फिर उसने किताब लिखी है वह बड़ी बात होती है। सामान्य किताब लिख दी, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। किताब लिखने की पृष्ठभूमि में आप गहराई में कितने गए हो, भले एक किताब को लिखने में 10 वर्ष लग गए होंगे, मान लो लग जाए, पर 10 वर्षों तक उन्होंने अन्वेषण किया है, किसी ने खोज की है गहराई में, फिर एक किताब लिखी है, उस किताब में जान हो सकती है। ऐसे ही फटाफट ऐसे ही वो पूरा चिंतन मनन किया, देख लिख दिया, उस किताब में जान आ जाए, ये नहीं भी आए, आ जाए न आए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक किताब देखिए, जैन दर्शन मनन और मीमांसा, एक किताब है। इस एक किताब में कितना एक गुणवत्व देखा जा सकता। एक किताब है भी थोड़ी मोटी अच्छी है, जैन दर्शन के संदर्भ में, जैन धर्म के संदर्भ में एक सुंदर किताब मुझे अनुमानित वह हो रही है, जिसका बड़ा जैन शासन में एक विद्वानों में मैं जहाँ तक चिंतन करता हूँ एक महत्वपूर्ण किताब है। श्वेतांबर हो या दिगंबर कोई हो, वह किताब एक अच्छी जैन दर्शन की दृष्टि से, पर हमारे संत लोग हैं, साध्वियाँ बैठी हैं, जैन दर्शन मनन और मीमांसा टाइम मिल जाए कभी पढ़ें अच्छी तरह, उस आद्योपांत किताब को कोई पढ़े, जैन दर्शन मनन और मीमांसा, फिर स्वयं देखो किताब कैसी। हालांकि हम तो आखिर बड़े लोगों का हम तो ऐसे क्या निर्णय दें, पर फिर भी थोड़े जो समझदार चिंतनशील सोचें भी किताब में कितनी गुणवत्ता है, किस प्रकार जैन धर्म के बारे में सिद्धांत की बात, इतिहास की बात, कितनी अच्छी बातें, कितनी अच्छी भाषा में, कितनी परिष्कृत अच्छी भाषा। संभवतः तो कोई कोटाई मिले तो पूरी उस किताब को पढ़े, यहाँ तो थोड़े साधु साधियाँ हैं, नारा में और में बाहर कई साधु जिनको टाइम मिले, जैन दर्शन मनन और मीमांसा इस किताब का भी कोई स्वाध्याय करे, भिक्षु विचार दर्शन का स्वाध्याय करे, तो बहुत आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की ये कुछ मानो देन है, ये अवदान है उनके, कि हम उनके साहित्य को पढ़ करके हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाषण देने की सामग्री, व्याख्यान देने की सामग्री आचार्य श्री के साहित्य को टाइम मिले कोई पढ़ता रहे तो अच्छा भाषण देने का मैटर उनके साहित्य से प्राप्त हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का, 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास, सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे।
भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।